Hello everybody, I hope you are doing well. So in the today's session, we are going to discuss about the cement. First of all, I hope you have gotten the concept of lime. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लाइम के बारे में सारी चीजें जानी थी. टाइप्स ऑफ लाइम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू IS 712 लाइम की 6 क्लासेस हम लोगों ने डिफाइन करी है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, 6 क्लास, क्लास A टू क्लास F रहती है. वो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए क्योंकि अनकॉमन कंसेप्ट है वो थोड़ा सा. फिर हम लोगों ने लाइम की प्योरेस्ट फॉर्म कहाँ से मिलती है, इम्प्योरेस्ट फॉर्म कहाँ से मिलती है वो भी जाना था. हाइड्रोलिक लाइम बेस्ट लाइम माना जाता है क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम से आप लोगों को स्ट्रेंथ भी मिलती है, स्टेबिलिटी भी मिलती है. क्विक लाइम जो है वो व्हाइट वॉशिंग तक ही सीमित रखा जाता है क्योंकि क्विक लाइम अपनी वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है. ये सब कंसेप्ट जानने के बाद एट लास्ट वी हैव बीन गॉन थ्रू कि आप लोगों के दो टाइप के लाइम होते हैं बेसिकली, नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम और आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम. नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम इज दैट विच वी ऑब्टेन फॉर द फ्रॉम द लाइमस्टोन और कंकड़. लेकिन जो लाइम होता है वो अंडरस्टूड है, हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता, जो हमको चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण हम लोग आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम प्रिपेयर करते हैं. और आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम प्रिपेयर करने के लिए हमने जाना था कि जनरली हमारे पास लाइम बनाने के लिए मतलब लाइम होता है और उसके अंदर हम लोग क्ले को ऐड करते हैं. क्ले को एज इम्प्योरिटीज ऐड करने की वजह से मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिल जाता है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी भी आ जाती है, सल्फेट भी आ जाता है, एल्कलीज भी आ जाता है और आयरन की भी कुछ प्रॉपर्टीज मुझे देखने को मिल जाती हैं. ये सिर्फ क्ले की वजह से पॉसिबल होता है और ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे एक नए प्रोडक्ट के रूप में उभार कर देती है जिसको मैं कहता हूं सीमेंट. तो मैंने ये लास्ट टाइम जाते जाते आप लोगों को सारी कहानी समझाई थी कि सीमेंट को हम लोग आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम के भी नाम से जान सकते हैं. ये हमने लास्ट टाइम जाना था. अब बात आती है यहां पर, आज हम लोग सीमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं और सीमेंट के कुछ ऐसे मेजर फैक्ट्स जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो या आने वाले एग्जाम में आप लोगों से डिफिकल्टी लेवल के तौर पे पूछे जा सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैं बीएमसी के पैटर्न को जैसा फॉलो करते हुए चल रहा हूं वैसा आप लोगों को साथ लेकर चलना है कि पता होना चाहिए आप लोगों को. एक मिनट, आपको यह पता होना चाहिए कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि आज के सेशन में यू विल ऑब्जर्व मैं बहुत सारी अनकॉमन चीजें और बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ आप लोगों को समझाऊंगा. तो बस साथ के साथ पढ़ते रहना. बाय द वे, टुडेज टॉपिक इज द सीमेंट एंड वी कैन ऑल्सो से सीमेंट इज नथिंग जस्ट द आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम. व्हाई डू वी कॉल इट एज द आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम, वो सारी कहानी हम ऑलरेडी जान चुके हैं. मेरे दिमाग में बात आती है कि सबसे पहले आपके पास ये पॉइंट होना चाहिए कि हमने सीमेंट बनाई क्यों. दो तीन पॉइंट काफी अच्छे बनेंगे आपके. लाइम की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, लाइम का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो काफी ज्यादा है. आपके लाइम का इनिशियल सेटिंग टाइम काफी ज्यादा होता है, नियरली 100 to 120 मिनट. अब ये टाइम काफी ज्यादा है तो हम इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं. और अगर मैं स्ट्रेंथ की भी बात करूं तो लाइम की एक स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी लिमिटेड है. हमारे पास केस आया कि वी नीड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल और इनिशियल सेटिंग टाइम को रिड्यूस करना है. इतना वेट हम नहीं कर सकते बिकॉज देयर कैन बी द चांस कि इतने टाइम में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है. और स्ट्रेंथ तो बढ़ानी ही है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी बढ़ने वाली है. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्रिपेयर्ड द आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइम बाय एडिंग सम काइंड ऑफ द इम्प्योरिटीज. वो इम्प्योरिटीज शब्द यहां पर क्यों बोला जा रहा है, इम्प्योरिटीज इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि लाइम एक मेजर कंपाउंड है. लाइम में जो एक्सटर्नल एलिमेंट डाले गए हैं उसको एज अ फॉरेन एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, बट यहां आप इम्प्योरिटीज को गंदगी मत समझना. यहां इम्प्योरिटीज आर द फॉरेन एलिमेंट जो लाइम के साथ रिएक्ट करके उसमें स्ट्रेंथ देता है, उसमें स्टेबिलिटी भी देता है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कंट्रोल रिएक्शन के साथ कंट्रोल करके रखता है. तो वो इम्प्योरिटीज एक फॉरेन एलिमेंट है और कुछ नहीं है. तो ऐसा गंदगी मत समझना उसको, वो फॉरेन एलिमेंट रहता है. तो इस प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए हम लोगों ने प्रिपेयर किया सीमेंट. अब सीमेंट में क्या हुआ, स्ट्रेंथ भी आप लोगों को ज्यादा मिल गई और स्ट्रेंथ के साथ साथ आपका इनिशियल सेटिंग टाइम भी रिड्यूस हो गया. यानी आपके सीमेंट का अब जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए थी वो यहां से मिल गई है.
थोड़ा सा जानकर चलते हैं कि ये कैसे प्रिपेयर हुआ था। सबसे पहले मेरे दिमाग में बात आती है कि सीमेंट की जो खोज है वो किसने करी थी, सबसे पहला पॉइंट है। तो सीमेंट की खोज हमारे पास दो लोगों ने करी थी, एक है जोसेफ एस्पेडन और दूसरा है आप लोगों का एम वाई कैट। इन दो लोगों ने सीमेंट की खोज करी थी और जो सबसे पहली सीमेंट खोजी गई थी, प्राइमरी सीमेंट, बिल्कुल बेसिक सीमेंट जो खोजी गई थी, वो खोजी गई थी ओपीसी। ओपीसी स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब व्हाई डू वी कॉल इट एज द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसको थोड़ा सा जानकर चलेंगे। ऑर्डिनरी का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, ऑर्डिनरी का मतलब बिल्कुल बेसिक। पोर्टलैंड इज द काइंड ऑफ स्टोन, तो जो सीमेंट है वो सेट होने के बाद पोर्टलैंड स्टोन की तरह बिहेव करती है, पोर्टलैंड स्टोन की तरह दिखती है। तो मैं लिखना चाहूंगा पोर्टलैंड इज द स्टोन प्रॉपर्टी, या एक जगह जहां पर ऐसा पत्थर पाया जाता है। तो सीमेंट आफ्टर सेटिंग शोज द पोर्टलैंड स्टोन बिहेवियर, दैट्स वाई पोर्टलैंड बोला जाता है और वो सीमेंट तो है ही। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास जोसेफ एस्पेडन और एम वाइकेट ने खोजी थी वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट थी, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बिहाफ पर आप लोगों की फिर बहुत सारी सीमेंट बनी अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग कंपाउंड को वेरी करके, आगे हम लोग पढ़ने वाले। तो सीमेंट के लिए जो रॉ इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो रॉ मटेरियल आपकी सीमेंट के लिए कौन कौन से चाहिए, रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट। आपको भी पता है दो मेजर रॉ मटेरियल है मेरे पास, पहला होगा आप लोगों का लाइम, दूसरा होगा आप लोगों का क्ले। तो क्ले एक्टिंग एज द फॉरेन एलिमेंट, आई एम जस्ट राइटिंग इट एज द इंप्योरिटीज, ओके। तो ये दो रॉ मटेरियल से आप लोगों की सीमेंट बनी है। अब बात आती है यहां पर कि ये जो रॉ मटेरियल आप लोगों ने मिलाए हैं ये कुछ ऐसे फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने क्ले उठाया और जितना मर्जी मिला दिया। तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल मिक्स इन द फिक्स प्रोपोर्शन, ये बात लिखेंगे, रॉ मटेरियल मिक्स इन द फिक्स प्रोपोर्शन। तो क्ले से हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, वो कौन कौन से प्रोपोर्शन होते हैं उसको थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत है यहां पर। तो सबसे पहला जो मेरे पास कंपाउंड आता है दैट इज नोन टू बी एज लाइम। जनरली मेरी सीमेंट के अंदर जो लाइम उपस्थित रहता है वो 62-67% उपस्थित रहता है। मेरी सीमेंट के अंदर जो लाइम रहता है वो 62-67% अवेलेबल रहता है। फिर मेरे पास आती है इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज में कैसे कैसे, मेरे पास आता है सिलिका, फॉर्मूला होता है SiO2, ये जनरली 17-25% अवेलेबल रहता है। देन मेरे पास आता है एल्यूमिना, एल्यूमिना स्टैंड्स फॉर Al2O3, ये जनरली 3-8% आपकी सीमेंट में अवेलेबल रहता है। इसके बाद आपके पास आता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आपकी सीमेंट में Fe2O3 0.5-6% अवेलेबल रहता है। आपको मैं एक बात बता दूं, जो मैं ये रेंज आप लोगों को लिखवा रहा हूं, बेसिकली ये रेंज वेरी करने से ही टाइप्स ऑफ सीमेंट आप लोगों को मिलती है, क्योंकि हर किसी इंप्योरिटी का अपना एक फंक्शन है। वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रीजंस एज वेल, हर सीमेंट का अपना एक फंक्शन है और ये हर इंप्योरिटी को वेरी करने से ही सीमेंट की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है और टाइप्स ऑफ सीमेंट हम लोगों को मिलती है। देन मेरे पास आता है मैग्नीशिया, एंड दैट कैन बी रिटन एज MgO, ये जनरली आपकी सीमेंट में 1-3% रहता है। फिर आता है सल्फेट SO3, ये भी जनरली आपकी सीमेंट में 1-3% रहता है। और फिर आता है आपके पास एल्कलीज, एल्कलीज आर द अनवांटेड कंपाउंड्स, ये नियरली आप लोगों का 1% आपकी सीमेंट में रहता है। एल्कली क्या है, एल्कली कैन बी ड्यू टू सोडियम सॉल्ट, मतलब एल्कलीज आर द सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, तो इट कैन बी सोडियम सॉल्ट, इट कैन बी पोटेशियम सॉल्ट, इट कैन बी सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट एटसेट्रा, ओके। अब बात आती है कि जो ये कंपाउंड आप लोगों ने सीमेंट में मिलाए हैं, हर कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टी होती है और उन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर ही वेरिएशन करके अलग अलग टाइप ऑफ सीमेंट मिलती है, जैसा कि बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहां पर आपके इंप्योरिटीज या आपके इंग्रेडिएंट्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, बिल्कुल रीजन के साथ जानकर चलना, ठीक है। लाइम की बात करता हूं, तो लाइम के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो कि लाइम एक्चुअली रिएक्ट्स एंड फॉर्म स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या करता है, मेजर ताकत का एक कारण यही है, स्लेक्ड लाइम आपको ताकत दे रहा है।
स्लेक्ड लाइम आप लोगों को इंक्रीज इन द वॉल्यूम भी शो कर रहा है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्रैक भी आ सकता है, ये हमने लाइन के कंसेप्ट में अच्छे से पढ़ा था। अच्छा, सीमेंट की एक प्रॉपर्टी और है, सीमेंट क्यों ही बनाई? बिकॉज अगर मैं प्योर लाइन की बात करता हूं, देन प्योर लाइन के पास हाइड्रोलिसिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, डैम्प लोकेशंस में सेट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब हम आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब सीमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी एक्चुअली एनश्योर देयर कि ये डैम्प लोकेशन में सेट हो जाएगा, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अब सपोज अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करनी है, या नियर सी शोर कंस्ट्रक्शन करनी है, या इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करनी है जहां एयर सर्कुलेशन नहीं हो सकता अच्छे से, तो वहां पर भी सीमेंट सेट हो सकती है। लाइम होता तो सेटिंग प्रॉपर्टी मेरे पास थोड़ी सी अच्छी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो मुझे एक चीज तो पता है यहां पर कि आप लोगों का लाइम जो है वो अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, और अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करने के बाद सीमेंट में स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, साउंडनेस देता है, और लाइम जो है वो ऑप्टिमम कंटेंट में अवेलेबल होना चाहिए। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं बस लिख देता हूं। इट रिएक्ट्स विद अदर इंग्रेडिएंट्स टू फॉर्म डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इट रिएक्ट्स विद अदर इंग्रेडिएंट्स टू फॉर्म डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टू एनहेंस द प्रॉपर्टी लाइक टू एनहेंस प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, साउंडनेस एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मस्ट फॉर एवरीबडी टू रिमेंबर, इट शुड प्रेजेंट इन ऑप्टिमम अमाउंट। व्हाई आई एम कॉल्ड कि ये ऑप्टिमम अमाउंट में ही रहना चाहिए, बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर मी कि अगर आपका लाइम सपोज ज्यादा हो जाए, अगर आपका लाइम ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है? मुझे पता है अगर लाइम अपनी परसेंटेज से ज्यादा हो गया, देन डेफिनेटली आई कैन से देयर कैन बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम बाय लाइम ऑन रिएक्शन। ऑन रिएक्शन इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम। रिएक्शन करने के बाद ये अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, और अगर टू मच वॉल्यूम हो जाए, इफ देयर इज टू मच इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम, अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया आपकी वॉल्यूम में, तो मैं कह सकता हूं सरफेस पे क्रैक आ सकते हैं, फट जाएगा ना। यस, तो सरफेस क्रैक कैन डेवलप, सरफेस क्रैक कैन डेवलप। तो जब सरफेस क्रैक डेवलप हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, वाटर पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं क्या नाम देता हूं? वी कॉल दिस प्रॉपर्टी टू बी द अनसाउंडनेस। अब आपके दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा कि हार्डनेस तो पता है चलो क्या होती है, और स्ट्रेंथ भी पता है चलो क्या होती है, लेकिन ये साउंडनेस क्या होती है इसको समझना मेरे लिए जरूरी बनता है। तो यहां पर साउंडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जो एक्सपेंड होने से बचाती है, वॉल्यूम को बढ़ने से बचाती है। तो लिख देता हूं ये बात मैं आपके लिए, साउंडनेस क्या है? रेजिस्टेंस टू वॉल्यूम इंक्रीमेंट। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो बचाएगी वो साउंडनेस है। तो अनसाउंडनेस क्या है? वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गई तो अनसाउंडनेस कहलाएगा। ठीक है, रिएक्शन ऑलरेडी आप सभी को पता है कि व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड, तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट निकालता है। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से अनसाउंडनेस आप लोगों को आपके सीमेंट सरफेस पे देखने को मिलती है। कॉमन सेंस की बात है। अब दूसरी बात आती है अगर लाइम कम हो जाए, इफ लाइम इज लिमिटेड तो क्या होगा? आई कैन से वन थिंग, अगर लाइम कम हो गया तो रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अब लाइम तो स्ट्रेंथ भी तो दे रहा है, रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगी तो स्ट्रेंथ कम देगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, और स्ट्रेंथ अगर रिड्यूस हो गई तो सीमेंट बिकम्स वीकर। आपकी सीमेंट जो है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होगा। कॉमन है। अगला कंपाउंड मेरे पास आता है यहां पर सिलिका। देखो सिलिका क्या करता है यहां, बेसिकली सिलिका भी आप लोगों का स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है,
तो ये बात लिख लो, सिलिका ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, सिलिका ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। सेटिंग से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये बस रिएक्शन करके आप लोगों का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक काम और करता है सिलिका, दूसरा पॉइंट लिख लो, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिटार्डिंग द सीमेंट। ये सीमेंट के लिए रिटार्डर का भी काम करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सिलिका रिटार्डर का भी काम करता है और स्ट्रेंथ का भी काम करता है। तीसरी चीज आपके पास आती है एल्यूमिना। एल्यूमिना का बेसिकली एक ही पर्पस होता है, उसको क्लियर करते हुए चलेंगे, कि एल्यूमिना क्विक सेटिंग करेगा, बस सीमेंट में क्विक सेटिंग करता है। अब इस कंसेप्ट को समझना, यहां से क्वेश्चन बहुत डीप तरीके से पूछे गए हैं आईएएस लेवल में, तो मैं लिख देता हूं एक बार, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग। अब थोड़ा कंसेप्ट को समझकर चलो, मैंने कहा जब मैं सीमेंट बनाता हूं तो सीमेंट बनाने में ना लास्ट में मुझे ग्राइंडिंग करनी होती है, सीमेंट एकदम पाउडर्ड फॉर्म में आती है। आपको मैं मैन्युफैक्चरिंग अभी पढ़ाऊंगा, थोड़ा समझ के चलो। तो सीमेंट को जब मैं बनाता हूं तो सीमेंट के प्रोसेस में सीमेंट के क्लिंकर्स बनते हैं, बॉल्स बन जाती हैं छोटी छोटी, वो पूरे प्रोसेस में ही होता है, अभी आप पढ़ोगे। तो लास्ट में सीमेंट को पाउडर बनाने के लिए चूना करना पड़ता है, बिल्कुल इसको पाउडर बनाना पड़ता है, यानी इसको क्रश करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आपकी सीमेंट, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपकी सीमेंट बिल्कुल सेट हो गई, जल्दी से आपकी सीमेंट जो है वो सेट हो रही है, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि आपका सीमेंट क्लिंकर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो रहा है। आप इस बात को समझो भाई, एक्चुअल में क्या है, सीमेंट के प्रोसेस को बनाने में हीट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि लाइम प्रेजेंट है, लाइम एक्चुअली गिव्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपने लाइम के चैप्टर में पढ़ा। और अगर तुरंत की तुरंत सेट हो रहा है, जब कोई चीज गर्म होती है ना तो सेट नहीं हो पाती, आप समझना, सेट होने के लिए उसको टेम्परेचर नॉर्मल करना पड़ेगा। तो अगर बहुत गर्म है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसको सेट होने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो अगर एल्यूमिना क्विक सेटिंग कर रहा है तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं, ये एक्चुअल में आपके कंक्रीट के टेम्परेचर को या सीमेंट के टेम्परेचर को कम करने का भी काम कर रहा है। तो एक यहां से बैड इफेक्ट आता है मेरे पास कि आप लोगों का, अगर आपकी सीमेंट का टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी कम हो गया, इट इज अ लाइक ऑफ सप्लीमेंट, आप थोड़ा समझ के चलना। एक तो है नॉर्मल रेट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, नॉर्मली स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है, मतलब आप लोगों ने एक्सरसाइज करी, या एक्सरसाइज भी नहीं करी, आपकी नॉर्मल हाइट की बात करता हूं तो मैं एज के साथ, टाइम के साथ आपकी हाइट बढ़ रही है, दैट इज ओके। लेकिन अगर आपने छोटी एज में दवाई ले ली और कैप्सूल खा लिए और अपनी जबरदस्ती हाइट बढ़ा ली, तो आपको पता है आपकी बॉडी को कितना नुकसान हो सकता है, आप में जान नहीं रहेगी आगे जाके, आप लोग कंसंट्रेटेड नहीं रह पाओगे, आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, हो सकता है चार बीमारियां भी लग जाए। तो अगर मैं ये कहता हूं कि सीमेंट अपने नॉर्मल रेट के साथ अपने टेम्परेचर को कम कर रही है, धीरे धीरे सेट हो रही है जैसा होना चाहिए, तो ठीक है। अगर जबरदस्ती मैंने उसके टेम्परेचर को कम कर दिया तो मैं एक बात कह सकता हूं कि सरफेस पे क्रैक आ सकते हैं। एकदम टेम्परेचर कम करोगे तो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगा तो बाहर से तो सेट हो जाएगा बट अंदर से स्ट्रेंथ गेन नहीं कर रहा, तो सीमेंट कमजोर हो रही है। यस, तो आई कैन से अगर आपका एल्यूमिना, इफ एल्यूमिना इज इन एक्सेस, अगर आपका एल्यूमिना ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, इट रिड्यूसेस द क्लिंकर टेम्परेचर। जो सीमेंट के बॉल्स बनती है ना, प्रोसेस में अभी समझाऊंगा, उसमें उनको कहते हैं क्लिंकर्स। तो मैंने जैसा आपको बताया कि टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम कर रहा है क्योंकि सेट हो रही है, तो अगर ये क्लिंकर टेम्परेचर को जल्दी से कम कर रहा है, हाँ, तो स्ट्रेंथ कम कर रहा है कहीं ना कहीं, क्लिंकर टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है, हेंस मैं कह सकता हूं कि सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो रही है, सीमेंट बिकम्स वीकर। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, ओके। इसके बाद मेरे पास आता है यहां पर आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कई काम होते हैं, थोड़ा समझ कर चलेंगे। पहला काम तो होता है आप लोगों का, इट एक्ट एज द फ्लक्स, इट एक्ट एज फ्लक्स, या ऐसा फ्लक्स बिना लिख के आई कैन डेफिनेटली से इट एक्ट एज द फ्यूजिंग एजेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द फ्यूजिंग एजेंट, देखो बाकी के जितने भी इंप्योरिटीज है ना,
उनको एक्चुअल में रिएक्ट करवाने के लिए काम आती है, ये बाकी के मटेरियल्स को आपस में रिएक्ट कराने के काम आता है। तो मेजरली मेजरली एलिमेंट्स के बारे में लिख देता हूं, जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं। एक्ट एज द फ्यूजिंग एजेंट फॉर लाइम एंड सिलिका। तो आपको एक बात तो समझ आ गई कि लाइम एंड सिलिका की रिएक्शन जो होगी वो स्ट्रेंथ देगी ना। मैंने आपको बताया लाइम भी स्ट्रेंथ देता है, सिलिका भी स्ट्रेंथ देता है। तो मैंने कहा दिस रिएक्शन लाइम प्लस सिलिका प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। तो मैं एक बात तो कह रहा हूं यार, जब ये दोनों की रिएक्शन ताकत दे रही है तो इनको रिएक्ट कराने वाला इनडायरेक्टली ताकत लगवाने में हेल्प कर रहा है। बात तो सही है। तो मैं कह सकता हूं आयरन ऑक्साइड इनडायरेक्टली, आयरन ऑक्साइड इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। आपको ये खेल समझ में आना चाहिए, आपका आयरन ऑक्साइड इनडायरेक्टली आपको ताकत दे रहा है, ये चीजें क्लियर है। अब ताकत के साथ साथ हार्डनेस भी दे रहा है। भाई ताकत का मतलब ही हार्डनेस होता है, इसको मैं आगे समझाऊंगा तुम लोगों को। दो टाइप होते हैं, एक होता है सेटिंग, एक होता है हार्डनिंग, आगे बढ़ेंगे। हार्डनेस टू सीमेंट। चलो ये मेजर पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया यहां से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात आती है यहां पर कि इसका एक काम और होता है, इट ऑल्सो लेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ कलर। आपके सीमेंट को जो कलर देने का काम करता है वो भी यही करता है, ठीक है। यहां से एक बात हमेशा याद रखना कि व्हाइट सीमेंट में जनरली कलर नहीं होता, तो व्हाइट सीमेंट में आयरन ऑक्साइड भी कम होता है। सो इन व्हाइट सीमेंट कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज वेरी लेस, बिल्कुल ना के बराबर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद मेरे पास अगली टर्म आती है जिसको मैं कहता हूं मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया की अगर मैं बात करता हूं, MgO, बेसिकली इसका काम क्या है? देखो मैग्नीशिया की जब मैं बात करता हूं तो आयरन ऑक्साइड की ही तरह काम करता है ये, ठीक है, कलर देने का ही काम कर रहा है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए ना तो ये आपकी सीमेंट को एक्चुअल में अनसाउंड बना देगा। क्यों बनाएगा, थोड़ा उसको भी समझ कर चलेंगे अभी यहां से। तो मैं लिख देता हूं इट एक्ट सिमिलर टू आयरन ऑक्साइड, मतलब Fe2O3 की तरह ही काम कर रहा है, दैट इज प्रोवाइडिंग कलर। ये कलर दे रहा है आपकी सीमेंट को, बट इफ इट इज इन एक्सेस, बट अगर ये एक्सेस में अवेलेबल हो गया, बट इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स सीमेंट अनसाउंड। ये आपकी सीमेंट को अनसाउंड बना देगा, यानी क्रैक डेवलप होने लग जाएगा सीमेंट के ऊपर। क्यों, थोड़ा समझो, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हीट निकालता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुझे पता है स्लेकिंग होती है, मतलब अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, डायरेक्ट लिख लेता हूं, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। सिमिलरली जो आप लोगों का मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशिया है, ये भी पानी के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इतने ज्यादा अमाउंट के साथ नहीं बनाता जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बट बनाता तो है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यहां पे वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करता है और हीट तो निकलती ही है। तो इस तरीके से ये सीमेंट को आप लोगों का मतलब अनसाउंड बनाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास कंपाउंड आता है सल्फेट। थोड़ा सल्फेट के बारे में समझ कर चलते हैं। नाउ माई डियर स्टूडेंट, आई नीड टू टेल यू, जब आपके सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो आई नो वन थिंग, वेन एवर देयर विल बी द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। वेन एवर देयर विल बी द रिएक्शन, देयर विल बी द प्रोडक्ट। तो रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट बने, और वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में अभी 10 मिनट बाद पढ़ाऊंगा। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट के साथ सल्फेट रिएक्ट करता है। थोड़ा समझ कर चलना, काफी जरूरी बात बता रहा हूं। तो सल्फेट डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा, जो सल्फेट रिएक्ट करता है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट के साथ करता है। तो उन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट होता है C3A। तो मैं यहां पर लिखवाना चाहता हूं इट रिएक्ट विद द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड, द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आपके इंग्रेडिएंट्स की जो रिएक्शन होती है ना भाई,
उनकी रिएक्शन के बाद में जो कंपाउंड बनते हैं उसके साथ सल्फेट रिएक्ट करता है, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, बाद में रिएक्ट कर रहा है, ओरो से बाद में करता है ये। तो होता क्या है, जो कंपाउंड यहां पर काम आने वाला है सल्फेट से रिएक्ट करके वो होता है C3A। C3A इज कॉल्ड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जब आपका सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है आप लोगों का कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है, एक मिनट, हाँ भाई, रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। अब ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट की लगभग लगभग 22% ज्यादा वॉल्यूम होती है। अब आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, 22% ज्यादा वॉल्यूम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा वॉल्यूम शो करता है। और जब इतनी ज्यादा वॉल्यूम शो करेगा तो क्रैक नहीं आएंगे सरफेस पे? यस, तो आई कैन से इट लेट्स टू द क्रैक फॉर्मेशन, लेट्स टू क्रैक फॉर्मेशन। तो क्रैक अगर फॉर्म हो गया तो सीमेंट एकदम खत्म, सीमेंट खत्म, वाटर पेनिट्रेट कर सकता है, मॉइस्चर पेनिट्रेट कर सकता है, सीमेंट की स्ट्रेंथ खत्म हो सकती है, थोड़ी सी भी दरार अंदर तक फैल सकती है, सीमेंट खत्म। और इसी पूरे फिनोमिना को आप क्या नाम देते हैं कॉमन तरीके से? सल्फेट अटैक। इसी को आप लोग कहते हो सल्फेट अटैक। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे कि बेसिकली सल्फेट अटैक कैसे हो रहा है? इसको याद करना, अभी आगे बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन बन सकता है, क्या सल्फेट अटैक एक्सटर्नल भी हो सकता है? यस, इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल। अब जैसा मैंने आपको बताया, व्हेन एवर आई विल बी गोइंग टू एड क्ले इनटू द सीमेंट, क्ले अलोंग विद लाइम, तो सल्फेट आता है, ठीक है, वो तो हो गया इंटरनल, जो अंदर से ही काम कर रहा है। अब मान लीजिए आपने कोई कंस्ट्रक्शन करी समुद्र में, समुद्र में दुनिया भर के सॉल्ट है, सल्फेट भी है, तो दैट वाटर कैन रिएक्ट विद दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, और सल्फेट उपस्थित है तो वो एक्सटर्नली रिएक्ट कर सकता है। समुद्र का पानी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के साथ एक्सटर्नली रिएक्ट कर सकता है। तो मैंने यहां पर कहा इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से रिएक्शन हो सकती है सल्फेट की। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि आपका सल्फेट अटैक जो है, इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मेरे पास आता है एल्कलीज, लास्ट वन, जो लगभग लगभग 1% या उससे कम ही रहता है। एल्कलीज, एल्कलीज एक ही काम करता है, होता क्या है, सॉल्ट होता है, तो कंक्रीट के बाकी के मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करता है। इट इज अ काइंड ऑफ द रेजिड्यू मटेरियल, ये एक अनवांटेड मटेरियल है। अब अनवांटेड कौन कौन से हुए, आप थोड़ा समझ कर चलो, अनवांटेड कौन कौन हुए? सल्फेट अनवांटेड हो गया, क्योंकि कोई ताकत थोड़ी दे रहा है, वो तो सल्फेट अटैक कर रहा है, अनवांटेड हो गया। एल्कलीज भी अनवांटेड है, कैसे है थोड़ा समझेंगे। अनवांटेड मटेरियल है, लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इट, लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पैचेस ओवर द सरफेस, व्हाइट पैचेस ओवर द सरफेस। आपके सरफेस पे व्हाइट पैचेस का काम कर रहा है, ठीक है, और इसी व्हाइट पैचेस को हम लोग कॉमन या टेक्निकल नेम से जानते हैं, जिसको कहते हैं फ्लोरेसेंस। तो ये आपके कंक्रीट में फ्लोरेसेंस का काम करता है, और जिसकी वजह से होता क्या है कि आपके कंक्रीट की ताकत खत्म हो जाती है। एफ्लोरेसेंस इज अ काइंड ऑफ द फिनोमिना जहां एक टाइम पे आपके आपका मटेरियल पाउडर पाउडर हो जाता है, सफेद सफेद पाउडर बन जाता है, बिल्कुल खत्म, तो वो एफ्लोरेसेंस कहलाता है। तो वह एल्कलीज की वजह से होता है। अब यहां थोड़ी सी चीजों को जानो, रिकॉल करते हैं सब कुछ। मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया सिलिका, आपको याद है, लाइम, या चलो सिलिका के बाद एलुमिना, उसके बाद लाइम आपने पढ़ा, उसके बाद आयरन ऑक्साइड आपने पढ़ा, और उसके बाद मैग्नीशिया आपने पढ़ा। ये पांच तो है वांटेड कंपाउंड, मेजर कंपाउंड है आपकी सीमेंट के। इनको आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से, जिसको कहते हैं सलीम। यही ट्रिक आपके ब्रिक में भी काम आएगी जब आगे बढ़ेंगे। तो सलीम समझ आ रहा है, SALIM, ऐसे आप कंपाउंड के बारे में याद कर सकते हो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनवांटेड मटेरियल, अगर मैं आप लोगों के साथ अनवांटेड मटेरियल की बात करता हूं, तो दो हैं, एक हो गया आपका सल्फेट, एक हो गया आपका एल्कलीज। तो ये आपको याद करना है, बहुत जरूरी बनता है।
ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। फिलहाल अब क्या होता है कि यहां पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत कम है और सीमेंट में एल्यूमिना प्रेजेंट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना आपका सीमेंट बहुत जल्दी सेट होने लग गया। एज एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन टू द सीमेंट, एल्यूमिना इज प्रेजेंट, तो आपके सीमेंट में बहुत जल्दी जल्दी सेटिंग होने लग गई। मतलब आपका सीमेंट जो है वो बहुत जल्दी सेट हो गया। तो जब आपका सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो गया तो उससे काम करना मुश्किल हो गया। इट बिकम्स इमवर्केबल, मतलब उससे काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। तो वो काम नहीं कर पा रहे अभी आप उससे। तो हुआ क्या, सीमेंट की सेटिंग को रोकने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डालने पड़े। सिलिका ऑलरेडी है, रिटार्डिंग का काम कर रहा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पा रहा। तो हुआ क्या, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आप लोगों को डालने पड़े ताकि आपके सीमेंट का क्विक सेटिंग नेचर कम हो जाए। तो आपको यहां पर रिटार्डर ऐड करने पड़े सीमेंट में कुछ, ताकि आपके सीमेंट का सेटिंग प्रोसेस कंट्रोल्ड हो जाए और सीमेंट प्रॉपरली बन जाए, उसके बाद फिर हम उससे काम कर ले। तो वो रिटार्डर के तौर पे हमने जो मटेरियल यूज किया दैट इज कॉल्ड जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या बनता है याद होना चाहिए, काम आएगा आपको, अभी पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगा जब काम आएगा। कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एच टू, यहां पर डॉट टू एच टू का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो जब पानी किसी के साथ लगा होता है तो हम उसको नाम देते हैं हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अब अगर ये पानी हाफ हो जाए ना तो मटेरियल अलग हो जाएगा, पानी निकल जाए तो मटेरियल अलग हो जाएगा। पानी दो के साथ मॉलिक्यूल है तो मटेरियल जिप्सम है, ये स्ट्रक्चरल वाटर कहलाता है। अब ये जिप्सम यहां पर क्या काम कर रहा है, इट एक्ट एज रिटार्डर। आपके सीमेंट में रिटार्डर का काम कर रहा है, आपके सीमेंट को जल्दी से सेटिंग नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो ये क्यों मिलाया आपको समझ आ गया, हाँ, रिटार्ड सेटिंग लिख लेते हैं, रिटार्ड सेटिंग। नाउ कम टू द अनदर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो अच्छा है थोड़ा जानकर चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, सीमेंट बनती कैसे है अब उसके बारे में जानने। तो सीमेंट बनती कैसे है, देर आर टू टाइप ऑफ द प्रोसेस। जनरल पहले मेजर बात कर लेते हैं। होता क्या है, सबसे पहले आप अपने इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग करते हो। जो भी आप लोगों ने आर्जिलेशियस यानी क्ले और लाइम मिलाया है उनकी मिक्सिंग होगी। देन सेकेंड प्रोसेस में इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग के बाद बर्निंग होगी, और बर्निंग के बाद उन मटेरियल्स को चूरा चूरा करके पैकिंग किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राइंडिंग। ठीक है, अब मिक्सिंग भी दो टाइप से होती है, एक होती है आपकी ड्राई मिक्सिंग और एक होती है आप लोगों की वेट मिक्सिंग। तो इनको थोड़ा सा जानने की जरूरत है क्योंकि आजकल कॉम्प्लेक्स तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछने लग गया है। हम सभी प्रोसेस को जानते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, ड्राई मिक्सिंग मतलब ड्राई मेथड है, वेट मिक्सिंग मतलब उसमें कोई पानी ऐड किया गया है तो वो वेट मिक्सिंग हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेरे पास आता है ड्राई मिक्सिंग यानी ड्राई प्रोसेस। देखो था क्या, आपके पास लाइम था, हम लाइम को एक नाम देते हैं कैल्केरियस प्रोडक्ट। व्हाई डू वी कॉल इट एज द कैल्केरियस प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम उपस्थित है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम वी कॉल इट एज द कैल्केरियस। दूसरा मेरे पास होता है क्ले, क्ले को हम लोग नाम देते हैं आर्जिलेशियस। व्हाई डू वी कॉल इट एज द आर्जिलेशियस प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को सिलिका भी मिलता है, मैग्नीशिया भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, तो उसको आर्जिलेशियस मटेरियल के नाम से जाना जाता है। आपने दोनों ही मटेरियल को पहले क्रश किया एंड देन ग्राइंड किया। आपने दोनों ही मटेरियल को पहले क्रश किया फिर ग्राइंड किया। अब मेरी यहां पर बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। देखो क्रश करना होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, ग्राइंड करना होता है किसी भी चीज को पाउडर बनाना, दोनों में ये फर्क है। तो जनरली जो हम क्रश करते हैं उसमें जो मटेरियल का साइज होता है वो 20 से 25 mm का रखा जाता है, मतलब इतना इतना तोड़ देते हैं और फिर उसको चूरा बना देते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद एक मटेरियल बना दिया दोनों का, मतलब हमने पाउडर को मिक्स कर दिया। अब क्या होता है जब हमने इसको मिक्स किया, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोगों के जो मटेरियल वांटेड मटेरियल है, अब जितने भी आपके इंग्रेडिएंट है वो एक प्रोपोर्शन मैंने आपको लिखवाई है,
दैट शुड बी इन द स्पेसिफिक रेंज. कोई ज्यादा हो गया तो नुकसान कर देगा, कम हो गया तो रिएक्शन ढंग से नहीं हो पाएगी, फिर प्रॉपर्टीज नहीं एनहेंस होंगी. तो आप लोगों का जरूरी थोड़ी है कि यू आर मिक्सिंग द मटेरियल और वो सारे इंग्रेडिएंट अपनी प्रोपोर्शन में ही है, नहीं. एंड ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप अलग 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 टाइप के सीमेंट बनाते हो. आप लो हीट सीमेंट भी बनाते हो, आप रैपिड हार्डनिंग भी बनाते हो, आप एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग भी बनाते हो, हाई एलुमिना भी बनाते हो, मतलब अलग अलग टाइप के सीमेंट है. और अलग अलग टाइप की सीमेंट अलग अलग मटेरियल के प्रपोर्शन को वेरी करने से बनती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. तो क्या होता है कि जो प्रपोर्शन मेरे को चाहिए वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो एक्सटर्नली भी ऐड करना पड़ता है कई बार. तो आपको मटेरियल को कई बार एक्सटर्नली ऐड करना पड़ता है. तो वो जो एक्सटर्नल एडिशन ऑफ द मटेरियल होता है प्रॉपर परसेंटेज बनाने के लिए, उसको कहते हैं ब्लेंडिंग. तो रॉ मिक्सिंग करते टाइम ही एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर दिया जाता है, वो मैं लिख देता हूं यहां पे, मटेरियल एडेड एक्सटर्नली. जब आप अपने मटेरियल को एक्सटर्नली ऐड करते हो तो वो कहलाता है आप लोगों का ब्लेंडिंग, ठीक है. तो आप लोगों ने क्या किया, रॉ मिक्स बना दिया, ब्लेंडिंग कर दी, जो भी करना था. अब इस रॉ मिक्स से प्रोसेस शुरू होता है, अब इस रॉ मिक्स पे प्रोसेस शुरू होता है. तो यहां अपने रॉ मिक्सिंग करने के बाद जो रॉ मटेरियल आप लोगों को मिला है, ये रॉ मटेरियल जो आप लोगों को मिला है, इसको आप लोग करते हो प्री हीटिंग. मतलब इसको पहले हीट किया जाता है, प्री हीटिंग बाय एग्जॉस्ट गैसेस. अब एग्जॉस्ट गैसेस का क्या सीन है ये, थोड़ा इसको भी समझ के चलते हैं. देखो क्या होता है, इस प्रोसेस में ना पहले से ही भट्टियां जल रही होती है, सीमेंट बनाने के लिए भट्टी की जरूरत है, पढ़ेंगे अभी. तो होता क्या है कि वो भट्टियां एक्चुअल में आप लोगों की गैसेस तो निकालती हैं, किसी भी मटेरियल में भट्टी जलती है तो गैस तो निकलेगी, उन्हीं गैसेस को यूज किया जाता है सीमेंट को गर्म करने के लिए. अब समझना, प्रोसेस को समझते हुए चलना, यहां से एक क्वेश्चन बनाऊंगा बड़ा प्यारा. तो मैंने कहा प्री हीटिंग करा जाता है एग्जॉस्ट गैसेस द्वारा, और जनरली जो टेम्परेचर होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है, ठीक है. अब मेरी बात आती है यहां पर, प्री हीटिंग करने के बाद आप इनको स्टोर करते हो करेक्शन सिलोज में, मतलब स्टोर करते हो एट करेक्शन सिलोज. करेक्शन सिलोज इज देयर फॉर द चेकिंग पर्पस के टेम्परेचर मेंटेन्ड है, यूनिफॉर्म हीट है, कोई मटेरियल कम ज्यादा तो नहीं है. फॉर द करेक्शन पर्पस आप इनको स्टोर करके रखते हो, ठीक है. फिर उसके बाद आप इनको डालते हो एक्चुअल भट्टी में, जिसको हम लोग नाम देते हैं रोटरी किल्न. अब रोटरी किल्न का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर होता है 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस का. तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये पहले ही आ जाना चाहिए था, मैंने आपको कहा कि एवरेस्ट चढ़ना है, आप जोश में आए, बिना किसी तैयारी के एवरेस्ट चढ़ने भाग गए, तो इम्पॉसिबल है. वापिस आओगे कि नहीं है तो गारंटी नहीं है, आप आधे रास्ते पहुंच जाओगे इसकी भी गारंटी नहीं है. लेकिन वही मैंने आपको कह दिया एवरेस्ट चढ़ना है और 2 साल का टाइम दे दिया, आपने अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दी, धीरे 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 तपस्या करनी शुरू कर दी, मतलब एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, तप रहे हो धीरे 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 और तप रहे हो, धीरे 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 वेल ट्रेंड हो गए, एथलीट बन गए, उसके बाद एवरेस्ट चढ़ सकते हो गया. तो अगर मैं एकदम से तपा दूं, एकदम से भट्टी में डाल दूं, तो क्या बेकार नहीं हो जाएगा मटेरियल? यस. और अगर मैं थोड़ा तपा कर उसको हैबिचुअल कर दूं, फिर उसको भट्टी में डालूं, तो काम हो जाएगा. अब मैं तुमको कह दूं 10 घंटे पढ़ना है, तुम नहीं पढ़ पाओगे. मैंने कहा आज 2 पढ़ो, कल 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, 5 पढ़ो, ऐसे करके 10 घंटे पे आओ, आ जाओगे बिना किसी टेंशन के, आ जाओगे. पहले दिन कोई आर्नोल्ड नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे जिम करके एक दिन बन जाते हैं. समझ आ रही है मेरी बात? तो ये प्री हीटिंग करने का प्रावधान सिर्फ इसलिए था कि 1400 डिग्री सेल्सियस पे डालने के लिए पहले उसको ट्रेनिंग दे दी जाए. तो यहां से मटेरियल फ्यूज हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. प्री हीटिंग जब 800 डिग्री पे कर दी तो मटेरियल फ्यूज होना स्टार्ट हो गया, मतलब रिएक्शन करना स्टार्ट कर गया. और रोटरी किल्न में डालने का मतलब प्रॉपर रिएक्शन हो रही है, और रोटरी शब्द घूम रही है. तो यहां भट्टी जलती है, यानी मटेरियल सारा रिएक्ट कर रहा है. रिएक्ट करने के बाद जब ये घूमता है तो मटेरियल भी तो घूम रहा है साथ में. और आप कभी भी देखना, आटा होता है ना, आप उसको घुमाते रहो, उसकी गोली बन जाती है. घुमाओगे तो एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा आटे का, जिसको कहते हो आटे की लोई. यहां पर भी तो बनेंगे सीमेंट की लोई, तो सीमेंट के पार्टिकल्स की लोई बन जाती है. लोई को क्या कहते हो आप लोग? क्लिंकर्स. लोई को क्या कहते हो? क्लिंकर्स. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहां पर? तो मैंने कहा रोटरी किल्न में क्या होता है, क्लिंकर्स फॉर्म हो जाते हैं. यहां पर आप लोगों के क्लिंकर्स फॉर्मेशन टेक प्लेस. तो जब आपके क्लिंकर्स बन चुके हैं, इनका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है,
आप समझो इनका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है। इस टेम्परेचर पे ना आप अगर किसी मटेरियल को चूरा करना चाहो ना तो चूरा नहीं होगा, वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। आप कभी देखना पापड़ सेका है आपने कभी घर पे? पापड़ जब आप लोग सेकते हो तो एक्चुअल में गरम पापड़ को आप मोड़ लो, मुड़ जाएगा। हाँ, गरम पापड़ का जैसे मर्जी शेप बना लो, मुड़ जाएगा। लेकिन जब वो पापड़ सूख जाता है ना, फिर उसको मोड़ोगे तो नहीं मुड़ेगा, टूट जाएगा। तो कंसेप्ट आता है कि बहुत ज्यादा जो गर्म मटेरियल होता है, लोहा गर्म होता है तो शेप चेंज हो जाती है, ठंडे लोहे की शेप चेंज नहीं होगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो जो चीज गर्म होती है वो क्रश नहीं हो रही, वो टूटेगी नहीं, वो शेप चेंज कर लेगी, क्योंकि उसके बीच के जो इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। बात क्लियर है? तो मैंने कहा कि क्लिंकर्स फॉर्म्ड हो गए हैं, लेकिन इस टेम्परेचर पे मैं उसको चूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई मेरे को पता है बॉन्ड रिफॉर्म हो जाएंगे, बॉन्ड डिफॉर्म नहीं होंगे, रिफॉर्म होंगे, शेप चेंज होगी, डिफॉर्म नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। तो मुझे क्या करना है यहां पे? अब जो क्लिंकर बने हैं, अब जो आप लोगों के क्लिंकर बन चुके हैं, उनको कूल करना पड़ेगा। तो कूलिंग टेक प्लेस, जनरली कितनी कूलिंग करते हो? इसको लेकर आते हो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे। अब बात आती है यहां पर कि 60 से 70 ही क्यों लेकर आया, कम क्यों नहीं करा? देखो क्या होता है ना, जब आप किसी भी मटेरियल को बहुत ठंडा कर देते हो तो फिर चूरा करना भी दिक्कत है। अगर आप किसी मटेरियल को बहुत ठंडा करके चूरा कर रहे हो तो डेफिनेटली आई कैन से उसके बीच के बॉन्ड ऐसे टूटेंगे कि ताकत कम हो जाएगी, फिर वो अपनी शेप अटेन कर चुका था। हाँ, जैसे एक स्टूडेंट है, अब उस स्टूडेंट को अलग अलग स्कूल में डालो चल जाएगा। लेकिन आप कभी भी ध्यान रखना, जब आप यंग हो जाते हो, कमाने लग जाते हो, फिर आप घर भी चेंज करो या स्टेट भी चेंज करो तो बड़ी दिक्कत होती है, स्टूडेंट को नहीं होती। तो स्टूडेंट तो अपनी स्टेट में था, गर्म खून था, लेकिन जब आप कहीं पे सेट हो जाते हो, आप कमाने लग जाते हो, तो स्टेट फैमिली कुछ भी आप वहीं से पकड़ लेते हो उसको, फिर चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो यही चीज है, जब सेट हो गया कहीं पे तो फिर तोड़ना बेकार हो जाएगा, स्ट्रेंथ खत्म है। तो बहुत गर्म चीज, बहुत ठंडी चीज से काम नहीं होगा, मीडियम वाले से होगा। तो वो मीडियम टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री का रहता है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, आप अपने कूलिंग करने के बाद फिर अपने क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग करते हो। ग्राइंडिंग समझ में आ रही है? फिर अपने क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग करते हो। तो ये जो ग्राइंडिंग है, अब ग्राइंडिंग के टाइम पर ही सेट ना हो जाए, भाई पता लग रहा है आप उससे पहले ही सेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहीं पर ही आप रिटार्डर ऐड करते हो, तो जिप्सम ऐड किया जाता है इसी में, यहां पर जिप्सम ऐड किया जाता है, ठीक है? तो अब ये जो जिप्सम है ये काम क्या कर रहा है, मुझे भी पता है भाई, आप लोगों का रिटार्डर का काम कर रहा है जिप्सम के साथ, या मैं लिखता हूं पोजोलाना। अभी पोजोलाना के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, इसी में सीमेंट में ही पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट है बहुत प्यारा। तो पोजोलाना ऐड किया जाता है ताकि रिटार्डर हो जाए सीमेंट के लिए। तो यहाँ ग्राइंडिंग होने के बाद देन बन चुकी है ना, फिर हम लोग इसको स्टोर करते हैं, स्टोर इन करेक्शन सिलोस, एंड देन इसकी पैकिंग करके आगे सप्लाई के लिए भेज देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जहां आप लोगों की सीमेंट बनती है। समझ आया? रोटरी किलन का प्रोसेस भी क्लियर है दिमाग में इमेजिन। मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ पहले आपको। यहाँ पर आप लोगों को ये पिक्चर दिख रही है, ये एक्चुअल रोटरी किल्न है। ये पूरा रोटरी किल्न का एक पूरा डायग्राम दिखा रखा है, ये रोटरी किल्न है, ठीक है? इसका जो स्लोप होता है वो जनरली कितना होता है, 1:20 से 1:30 का स्लोप रखा जाता है। अब यहां सारे प्रोसेस है, इसका अंदर का डायग्राम ये रहा। ये सीमेंट जा रही है, भट्टी जल रही है, घूम रही है, सीमेंट के क्लिंकर दिख रहे होंगे आप लोगों को मोटे मोटे गोले से। ये अंदर का डायग्राम है, ये इसका रे डायग्राम दिखा रखा है, पूरा कंसेप्ट ये है। तो मैंने बस वैसे ही दिखा दिया, नो नीड टू गो विद दैट, इतना मतलब डायग्राम थोड़ी देखना है, तो मैंने वैसे ही दिखा दिया बस आपको। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है आप लोगों का ड्राई प्रोसेस का। अब वेट प्रोसेस भी होता तो ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है इसमें अलग क्या है, ठीक है? चलो, व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट वेट प्रोसेस, तो वही शुरू में मेरे पास लाइम होता है और क्ले होता है। मैं लाइम को ग्राइंड कर लेता हूं, क्ले को भी ग्राइंडिंग कर लेता हूं, ग्राइंडिंग करने के बाद क्रशिंग करता हूं, ग्राइंडिंग करने के बाद क्रशिंग करता हूं, एंड देन क्रशिंग करने के बाद दोनों को मिक्स करता हूं। लेकिन मिक्स करने के टाइम पे यहां थोड़ा सा हिसाब किताब अलग रहता है, सिंपल मिक्सिंग नहीं होती, सिंपल मिक्सिंग नहीं होती। एक्चुअल में यहां पे क्या किया जाता है, इन दोनों को मिक्स करते हुए फॉर्मेशन ऑफ स्लरी होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्लरी बाय एडिंग वाटर।
आप अपने पानी को ऐड करते हो, कितना 30 से 40% मॉइस्चर कंटेंट रहता है। तो पानी को ऐड करने के बाद यहां स्लरी बनाई जाती है। अब उस स्लरी पे सारा फिनोमिना होता है, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा क्लियर करना। फिर ब्लेंडिंग भी इसी टाइम पे ही हो जाती है। ब्लेंडिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, ड्राई प्रोसेस में कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा डालना है तो आप डाल दो। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं। देखो, दो तरह के मटेरियल होते हैं, हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल। तो जनरली सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल के लिए ड्राई और वेट प्रोसेस रखा जाता है, लेकिन जनरली हम इसको अडॉप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, आगे देखेंगे। फिर वही सब कुछ है, फिर वही सब कुछ चलेगा आप लोगों का। हाँ, तो अब बात आती है यहां पर कि जब आप लोग अपने ब्लेंडिंग कर चुके हो, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल आप लोगों को मिल गई है स्लरी। स्लरी मिलने के बाद सेम प्रोसेस करोगे आप, इसको स्टोर करोगे। आप क्या करोगे, करेक्टेड सिलोज या करेक्शन सिलोज में इनको स्टोर करेंगे। करेक्शन सिलोज में स्टोर करने के बाद आप क्या कर रहे हो, अब यहां पर रोटरी किल्न पे डायरेक्ट ले गए। अब यहां ध्यान से देखना, आप इसको रोटरी किल्न पे डायरेक्ट ले गए। क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, प्रीहीटिंग की जरूरत नहीं है। नहीं है प्रीहीटिंग की जरूरत नहीं है, क्यों? अरे पानी है ना, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल। पानी है, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा हीट का पार्टिकल्स पे, डायरेक्ट इंपैक्ट पार्टिकल्स पे नहीं आएगा, पानी पे आएगा। तो पानी कैन यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट द हीट, इसीलिए डायरेक्ट रोटरी किल्न का काम होता है। बाकी चीजें आपको पता है, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहां पे रखा जाता है, एंड आफ्टर दैट वी कैन से कि यहां क्लिंकर बन गए। तो क्लिंकर जब आप लोगों के फॉर्म्ड हो रहे हैं, क्लिंकर फॉर्म्ड होने के बाद आप लोगों की ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग होने के बाद कुछ हो रहे क्या, 5 मिनट। ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग होने के बाद आप लोगों का फिर वही कूलिंग होता है, मतलब नॉर्मल प्रोसेस यार। कूलिंग टेक प्लेस, कूलिंग के बाद ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के बाद डायरेक्टली पैकिंग। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब करेक्टेड सीलो में स्टोर करके पैकिंग कर दो, आपकी सीमेंट तैयार। अब वही ग्राइंडिंग के टाइम पे आप लोग क्या करते हो भाई, जिप्सम या पोजोलाना ऐड भी कर देते हो, ऐड जिप्सम या पोजोलाना। क्लियर है? तो 2 से 3% जनरली ये मटेरियल ऐड किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आप लोगों का वेट सीमेंट बनाने का। अब बात आती है यहां पर कि हम लोगों ने ये देखा, सारी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट जो अपने पास मेथड आता है, दैट इज कॉल्ड कि यहां पर जो हमारे अब रिएक्शन हो रही है, वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहे हैं, बॉक्स कंपाउंड उनको नाम देते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हैं और एक्चुअल में आप लोगों को समझ भी आ चुका है।